ये काम ऐसे आदमी ने किया है जिसने कॉलेज का मुंह नहीं देखा, जिसका वजन 48 किलो है, जो किराए के मकान में रहता है, अभाव की जिंदगी जीते हुए, ये इतना बड़ा काम मेरी क्षमता से बाहर था। ये आनंद साहित्य सदन और प्रोफेसर ए आर अकेला जी, बहुत शुक्रिया। चलिए, आइए सर। पूरा बाबा साहब का मनवर कांशीराम का समग्र संकलन काशीराम साहब का अकेला साहब नहीं करा ना? हाँ, इन्होंने ही किया है। और किताबों की ऐसी दुनिया के बीच में आना जैसे लगता है कि कुछ बहुत ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है। ये हम सारा ले जाएंगे, खजाना ले जाएंगे। और ये देखो साहब, काशीराम और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले। आपका तो आज कार्यक्रम है नुमाइश में। जी 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 जी, इनका कार्यक्रम है। कैसे हैं आप? स्वास्थ्य ठीक है? ठीक हूँ। बहुत तमन्ना थी आपसे मिलने की, बस मिलने के लिए हम लोग मुलाकात हो जाए। मौसम थोड़ा टाइम पे हमने बैठे, बारिश हो रही थी ना, तो उस वजह से थोड़ा सा बैठी। आपकी तबीयत वगैरह ठीक है सब? बिल्कुल है, बहुत काम करना है मुझे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काम करना है अभी। अभी क्या है, साखा तो पाठा। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। आइए कुछ फोटो उधर, हमारे जो स्मृति चिन्ह है बहुत पीछे फॉलो करवा रहे हैं। आप फॉलो कर लेते ना, तुम ऑन करके छोड़ दो, ऑन कर। इधर आ रहे हैं किधर सर? शायद वो बाहर से बोले। बाहर से? हाँ, आइए इधर आइए। अच्छा जी, इसीलिए लिखाना जरूरी था। सारी जवानी के दिन हमने DSP बनाने में लगा दिया। चार सरकार बनी, एक नहीं बनी। ठीक है, देखिए सब ठीक किस स्थिति में रह रहा हूँ। कोई कूड़ा कचरा नहीं मिलेगा मेरे घर में हिंदुओं का। जी, जो अंदर है वो बाहर है। जी 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 जी, ठीक है। और ये बच्चे की किताबें पढ़ाई जी, अभी बच्चा मेरा हाँ GIC इंटर कॉलेज में लेक्चर बना 6 तारीख को। हमें अभी पता चला और संयोग से वो बच्चा अभी मिला, तो हमने उसको बधाई दी जी। बड़ी बिटिया है जी, जी नाम का गौतम जी, इसने अंग्रेजी से MA फर्स्ट डिवीजन किया है मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। AMU से पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, ये तो फुर्सत का काम है। लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं अभी जा नहीं पाए। ये लैट्रिन बाथरूम है, इसमें आप पसंद भी नहीं करोगे पेशाब करना। तो ये आपका अपना मकान है? नहीं, किराए पर। किराए पे है? ये भी किराए का है। अच्छा अच्छा, और परिवार में कौन कौन है? बस यही मैंने बताए। दो बच्चे हैं? नहीं, दो बेटियां। हाँ, और बेटा और मैं और पत्नी। ये आपके बेटे हैं? हाँ। ये अभी हुआ है और अब ये PCS मेन की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। वाह, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। लेकिन बहुत दूर, मतलब इसको फेंका है सोनभद्र में। ओ हो, आपको सोनभद्र में मिल गया? अरे काफी दूर है। चलिए उधर जाइएगा तो बताइएगा, जैसा भी होगा। और बताइए साहब, सब बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आज का दिन नहीं, कोई बात नहीं। हम तो, हमारी तो तमन्ना थी कि आपसे मुलाकात हो जाए। मिलना जरूरी। और मुलाकात क्या है इनके बारे में, एक्चुअली मैं कंफ्यूज। संयोग हो गया, इनका प्रोग्राम था, हम लोग भी इधर थे। प्रोग्राम होते ही नुमाइश के पैसे, ठीक है।
इसमें किसी को चंदा नहीं करना, कुछ नहीं करना, लेकिन लोगों की आदत हो गई है खराब। मेरा नाम नहीं है कहीं भी, तो मैं ताली बजाने के लिए जाता क्या? बताइए, कल फोन आया था उनका, मैंने कहा बताओ क्या ताली बजाने के लिए आऊँ आपके। और फिर मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव आ रहे हैं, कि जीतन मांझी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बहुत से लोग मतलब भीड़ इकट्ठा करने के लिए दाम डाल देते हैं, है ना, तो कि नहीं नहीं साहब आ रहे हैं। और वो इनकी मुझे उनसे मिलना था आपके बारे में कहा, फिर इनका कल फोन आया। अब ये मुझे पता नहीं कि आप साथ साथ आ रहे हैं। इनका प्रोग्राम था ना यहाँ पे, हाँ। तो फिर हमने, मैंने कहा चलो हम भी अलीगढ़ में ही अपना चुनावी, मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ चुनाव में, थोड़ा चैनल है ना हमारा जी, The News Week नाम से हमारा चैनल चलता है, तो काम हो जाता है इसी में, घूमते फिरते लोगों से बातचीत करना, चुनाव में क्या चल रहा है जी, जी। तो अलीगढ़ में था, तो मैंने कहा अरे साहब से अभी बात हुई थी थोड़े दिन पहले, एक सेट मंगाया था मैंने काशीराम साहब का, तो फोन पे बात हुई थी, तो मैंने कहा मुलाकात हो जाए, बाकी तो अपने काम दुनियादारी के चलते। कैसा लगा काम? बहुत बढ़िया, शानदार। डॉक्टर साहब को मैं लगा, मैं वो लेने आया हूँ, मैं पूरा ये सेट लेके जाऊंगा। हाँ, नहीं वो तो दे देंगे आपको, भी दिखाते हैं, और मैं उसको रखता हूँ निकाल के। नहीं नहीं, बातचीत भी जरूरी, बातचीत बहुत जरूरी। हम दिल्ली से, दिल्ली आता हूँ। अरे सर जब भी आप आए आप जरूर बताए, और तसल्ली से हम बैठेंगे, कुल दस खंड। अच्छा, तसल्ली से बैठना जरूरी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी भी चाहत है जी। इसमें अकेला साहब ने जो है मान्यवर कांशीराम साहब के सारे भाषण, लेख और सब का संकलन किया उनके, तो ये अपने आप में मुझे मैं ये हाँ मैं ये समझता हूँ क्रांतिकारी काम है ये। मान्यवर कांशीराम जी बहुत ज्यादा भाग दौड़ में रहे, तो लिखने का कम हो पाया, कम कर पाए वो। आपने वो भूमिका निभाई कि जो हाँ, काम उन्होंने उसे कहा भी गया, उसे अच्छा, कहा हाँ, हम जैसे पुराने लोगों ने कहा, आदत प्रसाद ने कहा कि साहब बाबा साहब की तरह आप भी कुछ लिखिए, तो बाबा साहब ने बहुत कुछ लिखा। अच्छा, जरूरत नहीं है लिखने, अरे वाह, उसको जाके इम्प्लीमेंट कराना जरूरी, लोगों को बोल बोल कर। बाबा साहब ने किताबें जोड़ी, मैंने आदमी जोड़े। लेकिन फिर भी सर मैं ये कहता हूँ कि जो मान्यवर साहब पे आपने काम किया ये बहुत महत्वपूर्ण है, दस्तावेजीकरण अपने लोगों का नहीं हुआ। बिल्कुल, अरे ये तो जला दिया गया, अभी इंटरव्यू दूंगा, मैं बताऊंगा। अच्छा, मायावती ने जलवाया है इसको खड़े होकर के, अरे अपने को शिष्य बताती है। ये तो यार अकेला जैसा सिर्फ आदमी जिंदा था तो ये हो गया, दद्दू प्रसाद जैसा जिसके चाहत थी कि ये होना चाहिए काम, सही बात है ना, नहीं तो ये गुमना कर दिया था खत्म। उसने मिश्रा जी ने जलवाया ये कह के, आप बैठिए मैं दिखवाता हूँ। ठीक है, कितनी हो गई ये इसमें गैप देखो। हाँ गैप है, अभी एक नंबर नहीं है। अच्छा एक नंबर है, पाँच छः सात आठ नौ दस, एक नंबर नहीं, एक नंबर नहीं है। अच्छा, और ये हार्ड बॉम्ब में है, ये खत्म हो गया प्रिंट, पहला जो पेपर वर्क खत्म हो गया। जी जी जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये दो दो हजार छापे थे हमने। अच्छा हाँ, और ये फिर एक एक हजार छापे, क्योंकि मुझे मालूम था दद्दू प्रसाद जी ने कहा कि ये शुरुआती अंक हर एक कोई मांगेगा, जहीं से शुरुआत होगी। जी जी जी, तो इसको दो दो हजार छापो, नहीं आप फिर छाप नहीं पाओगे, कि चौथा छापोगे कि पहला खत्म हो गया। तो ये, तो ये पहली बार कब प्रकाशित हुआ आपके निर्देशन में? सर इसमें डेट है साहब जी, और रिकॉर्ड काम है, फर्स्ट एडिशन 2014, ये 14 से शुरू हुई। जी जी, और खास कर देखिए 26 जुलाई है, ये महापुरुषों के उस पे, महापुरुषों के उस पे, फिर देखिए 17 सितंबर पेरियार जयंती, खंड दो आया जी, पहला हाँ, प्रवेशांक भी, प्रवेशांक कह सकते हैं, 14 अप्रैल 80। अच्छा अच्छा, ये बहुजन संख्या का कांशीराम साहब, कांशीराम साहब का उपहार निकालते थे। इसमें इनके लेख भी हैं, ये सब संकलित किए हुए हैं। और देखिए पहले में ये भाषण है, उनका भाषण श्रृंखला, आर्टिकल जो एडिटोरियल लिखते थे वो एडिटोरियल भी है, मैं देख रहा था एडिटोरियल, ना एडिटोरियल वो है उनकी ऑपरेस्ट इंडियन का, ऑपरेस्ट इंडियन अखबार निकालते थे ना कांशीराम साहब, मैगजीन थी वो, आना देखना नहीं तो वो खोलना बेटा। तो इसमें चमचा युग भी है, चमचा मैंने छापा है अलग से, मुड़ गई है ये वाले दूसरे इसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
यहाँ तो आप गन्ना के खेत में हो जैसे मनी गन्ना लीजिए मैं पूरा ही दूंगा आपको कंप्लीट। नहीं नहीं सर हम तो ये भी लीजिए, ये तो है मेरे पास 80 रुपए की छापी है सम्यक वाले ने। हाँ। ये 60 रुपए का है। नहीं नहीं हम ले लेते दूसरा एडिशन, पहला 50 का छापा था। जी 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 ये ऐसी चीजें हैं ना कि अगर नहीं छपेंगे और उपलब्ध नहीं होंगी तो फिर बाद में ये सर ये है क्या दवाई हिस्ट्री का काम करेगा। ये वो किताब है मान्यवर कांशीराम साहब के संपादक के लिए। हाँ। ये हमें दे दीजिए एक और। तो ये हमें अच्छी कॉपी दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा इसका ये भी 2000 छपी। जी जी और इसको अभी मैंने छापा है फिर। अच्छा ये बंडल अभी आया है परसों। अच्छा बहुत बढ़िया। ये हार्ड बाउंड होगी शायद। हाँ ये हार्ड बाउंड है। पेपर बैग में मिल गया तो गंदी है ना। कोई नहीं गंदी है वो, कोई बात नहीं। मैं और खुलवा रहा हूँ बंडल। ठीक है बैठिए। नहीं हम देख लें किताब। हाँ अच्छा बाम से ओरिजिनल बाम से बहुत बढ़िया। जरूरत थी इसकी तो हम लोग तो पट कोला बेटा मिल गया मिल गया। एक दर्जन बामसेफ संगठन है। हाँ। और दूसरा आदमी फोन करके कहता है मैं उपाध्यक्ष हूँ मैं अध्यक्ष हूँ। एक किताब और जो नई आई है लोकतंत्र प्रहरी मान्यवर कांशीराम एक विश्लेषण डॉक्टर रमा जी। अभी सेट लेके पढ़िया। हाँ मैं वही सोच रहा था कि समय लगेगा इसमें। गुलामगिरी भी है मेरे पास है। हाँ लेकिन गुलामगिरी ये फुले साहब के ऊपर सबसे पहले काम किसने किया। हाँ विमल कीर्ति। नहीं विमल कीर्ति तो अनुवाद कर रहे थे। गेल अम्बेट से लिखवाया था वो। अच्छा। जब जिंदा थी ये छपा था कल्चरल रिवोल्ट इन इंडिया पूरी उनकी किताब। ये उनका लिखा हुआ है इसलिए आपके लिए जरूरी है। ये तो विमल कीर्ति की भी है ना अनुवाद। तो अनुवाद ये तो है अपने पास में अनुवाद। तो ये सर इसके लिए कह रहे हैं कि ये वो अभी मैं गया था वहाँ। अच्छा 5 सितंबर को कासेगांव। हाँ हाँ इनके हस्बैंड है ना। जी जी जी। नहीं मैं ये पूरा संग्रह ले जा रहा हूँ और इसको फिर मैं पढ़ूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पढ़ के फिर इन पे वीडियोस भी आएंगे। नहीं हम करेंगे इसीलिए हम किताबें ले जा रहे हैं कि हम हर किताब पर पूरी कोशिश से समय थोड़ा कम मिल पाता है लेकिन हम इसको जो है मतलब पढ़ना हमारे लिए जरूरी है और वीडियो बनाना समाज के लिए बहुत जरूरी है। समाज में बताना भी बिल्कुल बहुत जरूरी है। ये आजकल हमारे थोड़ा कम पढ़ाई कम कर दिया लोगों ने ना वीडियो फॉर्मेट में ऑडियो फॉर्मेट में वो जल्दी देख लेते हैं। समय देखते रहते हैं तो चला जाता है। डॉक्टर साहब ये पूरी इंडिया में बैठिए अब बैठ जाइए। ये काम जी इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है जी ये ये यार अकेला ने किया। अच्छा हाँ ठीक है जी जी ये काम ऐसे आदमी ने किया है जिसने कॉलेज का मुंह नहीं देखा जिसका वजन 48 किलो है जो किराए के मकान में रहता है अभाव की जिंदगी जीते हुए ये इतना बड़ा काम मेरी क्षमता से बाहर था इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये ऐसे आदमी ने किया है कि जो दूसरा आदमी नहीं कर सकता। एआर अकेला अपने आप में अकेला का मतलब सिंगल नहीं है। एआर अकेला का मतलब है अपने आप में अकेला एक्सक्लूसिव। बहुत लोग मुझसे पढ़े लिखे हैं लोग बहुत लोगों पे नेटवर्क है ये प्रकाशन का काम मैं अकेला करता हूँ इस काम को सब कुछ प्रूफ रीडिंग में करता हूँ एडिटिंग में करता हूँ और छपवाने का काम भी कुआ खोद के पानी पीने का काम किया है अपना पब्लिकेशन से इसलिए ज्यादा लोगों का रिस्पांस कैसा अकेला साहब बहुत पूरे इंडिया में जा रहे हैं अब यार कहीं है नहीं ओरिजिनल। हमने कहा उनसे सम्यक वालों से कहा गौतम बुक सेंटर वालों से कहा कि हमारा अब हम 50% कमीशन देते हैं हम आप हमें 50% कमीशन दीजिए। मैंने कि नहीं हमारा काम 50% वाला नहीं है हमारी कीमत सही है
हमारी कीमत देखिए और क्वालिटी देखिए, तो हम ये इसको अपने सिद्धांत को तोड़ नहीं सकते। आपने क्यों दे रहे हो भाई 50% की कमीशन? आप कीमत बढ़ा करके और फिर 20% में वो जो बुकसेलर है वो 20% कमीशन दे करके आपकी किताबें बिक रही हैं। ये यार अकेला की किताबें सब नेट मूल्य पे बिक रही हैं, कोई कमीशन नहीं मांगता। ये आप क्वालिटी देखिए, आप हमने जो मेंटेन किया कागज और कीमत देखिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है सर आपका ये। हाँ। निसंदेह। चाय पीजिए। चाय। भीम सिंह पटेल। हाँ। विधायक जयकरण साकेत, बांदा के दद्दू प्रसाद, इटावा से रेखा छागला। तो यहाँ लोग, तो इन लोगों को भी तो मैंने अमर किया है। हाँ, ये जिनका नाम है। तो लोगों ने ये भी सलाह दी मुझे कि इसकी क्या जरूरत है। अच्छा, कैसे आदमी है तू, इससे क्या दिक्कत है भाई? ये पार्टी के लोग हैं, फाउंडर लोग हैं, और ये इस तारीख को यहाँ थे, तो तारीखें थी, इसमें दिक्कत क्या है आपको? जी, जी, जी। तो कुछ लोगों ने ये भी सलाह दी, लेकिन मैं अपने मन से करूँगा। तो मेरा भी तो मतलब मेरा भी तो योगदान है, तो मेरा भी नाम कटता है इसमें कहीं ना कहीं। हम कार्यकर्ता का नाम क्यों नहीं होना चाहिए, सिर्फ लीडर का ही क्यों होना चाहिए? भाई कार्यकर्ता ही तो लीडर को बनाते हैं। तो ये अकेला साहब की किताबें जो मान्यवर कांशीराम साहब के भाषण और उनके आर्टिकल्स भोजन संगठक और ओप्रेस्ड इंडियंस में जो लिखा था वो सब है। और अकेला साहब अलीगढ़ में ही रहते हैं, तो हमारी मुलाकात होगी उनसे, और बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और आपको भी अगर यहाँ से किताबें खरीदनी हो तो आपका कोई नंबर है आनंद, यहाँ पे कैसे संपर्क करें आपसे? 9319294963। हम डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे देंगे, अगर आपको ये कलेक्शन मंगाना हो तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो पुराने रजिस्टर है सर, दस्तावेज। हाँ, संपादक मान्यवर कांशीराम लिखा हुआ है इसमें, 1970। ये उसकी 50% है। अच्छा, ये आकार जो भोजन संगठक का ओरिजिनल पेपर है जी, जी। उसका 50% है, और कितने अक्षर बारीक है, कितना टफ काम था ये, बहुत मेहनत का काम है ये। इसलिए किसी ने नहीं किया, नहीं कोई भी कर लेता। बिल्कुल मेहनत का काम है, इसलिए नहीं किया। मतलब ये कहा जाए सर कि जितना भी आपने काम किया उससे ज्यादा बचा हुआ है करने का? नहीं नहीं, अब दो खंड बाकी। 20 साल का काम मैंने समेट लिया। अच्छा, 80 से लेके 99 तक। ओके, अब 11th जो खंड है वॉल्यूम वो, और 12वां, ये दो खंड में तो 3.5 साल का काम बैठ है। बहुत बढ़िया, पड़ गया था ये, साज ये था इसका। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत छोटे फॉन्ट में है। छोटे फॉन्ट में कम करके है जो, अब ये 98 का है, भोजन संगठक 1998। तो कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, ये काम ईमानदारी का भी है। बिना ईमानदारी मेहनत के हो नहीं पाता सर। नहीं नहीं, इसमें भी मैं फ्रॉड कर सकता था, मेरी जमीर में होता था। बहुत लोगों ने मुझे लालच दिया, ये काम जब